इस वीडियो में है क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में हमें दिया है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हमें एक पॉइंट Q दिया गया है। इस पॉइंट Q से सर्किल पर एक टेंजेंट ड्रॉ की जाती है जिसकी लेंथ हमें दी गई है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद इसी पॉइंट Q से सेंटर ऑफ द सर्किल को मिलाया जाता है, सर्किल का जो सेंटर है उससे इसको मिलाया जाता है और उसकी लेंथ हमें दी गई है 25 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है सर्किल का रेडियस। यहाँ पर हमें रेडियस के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक करेक्ट आंसर होगा। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जो भी हमें सिचुएशन दी गई है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग। सो ये आ गया हमारा फिगर। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट Q। Q पॉइंट से हमने सर्किल पर एक टेंजेंट ड्रॉ की है, ये टेंजेंट हो गई। जहां पर ये सर्किल को टच करती है उस पॉइंट को नाम दे देते हैं P, और इस टेंजेंट की लेंथ हमें दी गई है 24 सेंटीमीटर। सो ये हो गई यहाँ पर 24। इसके बाद पॉइंट Q से सर्किल के सेंटर की लेंथ हमें दी गई है 25 सेंटीमीटर। सो ये हो गया Q, और सेंटर ऑफ द सर्किल को लिख देते हैं O। इसके बीच की जो लेंथ है Q O के बीच की लेंथ हमें दी गई है 25। हमें फाइंड करना है जो ये सर्किल है इसका ये वाला रेडियस यानी कि ओपी की लेंथ क्या होगी। सो क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा ओपी परपेंडिकुलर टू क्यूपी। यहां पर मैं लिखता हूं ओपी परपेंडिकुलर टू क्यूपी। ओपी जो है वो क्यूपी पर परपेंडिकुलर होगी, और इसका रीजन क्या होगा, रीजन हो जाएगा इसका रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि जहां पर भी एक दूसरे को मीट करते हैं। ये हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा था। और अगर परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर के बीच कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री। सो ये वाला जो एंगल है ये क्या हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। ये वाला एंगल है हमारा ओ पी क्यू। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री होने से जो हमारा ये ट्रायंगल है ये क्या हो गया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस साइड को फाइंड कर सकते हैं। सो यहां पर मैं लिखता हूं अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ओक्यूपी। जो हमारा ये ट्रायंगल ओक्यूपी है इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। सो सिंपली क्या करेंगे, ओपी स्क्वायर प्लस में क्यूपी स्क्वायर लिखते हैं। यहां पर ये हो गया ओपी स्क्वायर प्लस में क्यूपी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल। सो हाइपोटेनियस है हमारी OQ, तो ये आ गया OQ का स्क्वायर। सो यहां पर हमारी OP की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो OP स्क्वायर यहां पर आ जाएगा एज इट इज प्लस में QP। QP की वैल्यू हमें यहां पर दी गई है 24। सो यहां पर QP की जगह पर रखेंगे 24 और स्क्वायर एज इट इज, और इक्वल्स टू में है OQ स्क्वायर। OQ की वैल्यू हमारी है 25, तो 25 एज इट इज, सॉरी OQ की जगह आ जाएगा 25 और स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर एज इट इज। अब यहाँ पर OP स्क्वायर आएगा एज इट इज, ये आ गया, और इक्वल्स टू में 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 625। और इस साइड में जो 24 का स्क्वायर प्लस में है दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस में, और 24 का स्क्वायर क्या होगा, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 576। अब यहां पर हमें फाइंड करनी है ओपी की वैल्यू, लेकिन यहां पर दिया गया है ओपी स्क्वायर। सो यहां पर क्या करेंगे, इसको रूट में डाल देंगे, तो ये आ गया हमारा ओपी स्क्वायर। इसको इस तरफ रूट लगा दिया और दूसरी तरफ भी रूट लगा देंगे, दूसरी तरफ हमारी क्या वैल्यू आएगी, 625 में से 576 को माइनस करेंगे तो आएगा 49। इस तरफ भी रूट लगा देते हैं, दोनों तरफ हमने क्या किया, रूट लगा दिया। इस साइड में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो नीचे आएगा हमारा ओपी, और इक्वल्स टू में 49 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 49 को हम लिख सकते हैं ना 7 मल्टीप्लाई में 7, यानी कि 7 का स्क्वायर होता है 49। तो रूट से बाहर हम क्या निकालेंगे, 7 मल्टीप्लाई में 7 है, पेयर बन गया, पेयर में से एक वैल्यू बाहर आती है। सो रूट से बाहर यहाँ पर आ जाएगा 7, और यही हो जाएगी हमारी ओपी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। सो ओपी की लेंथ आ गई 7 सेंटीमीटर, जो इस सर्किल का रेडियस भी है, यानी कि फर्स्ट वाला जो ए वाला ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट है।